हे गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट या तो फार्मेसी कर रहे हैं या पैरामेडिकल कर रहे हैं या कोई भी मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, उसके पास एक बुक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो बुक हर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास होना ही चाहिए। जैसे कि कोई भी गाँव घर में जो झोला छाप डॉक्टर है, उसके लिए बहुत ही बेस्ट बुक है ये। आप इस बुक में बहुत ही ज़्यादा नॉलेजबल चीज़ दिया गया है। इसमें आपको जैसे ट्रीटमेंट के बारे में दिया गया है, कॉज के बारे में दिया गया है, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में दिया गया है, मेडिसिन के बारे में दिया गया है, इंजेक्शन, सारा चीज़ दिया गया है इस बुक में। आज इस बुक का है ना बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। चलिए इस बुक का नाम जानते हैं कि सबसे पहले इस बुक होता क्या है, कौन सा बुक है ये। देखिए तो आज आपके हम नाम बता रहे हैं, इस बुक का नाम है चिकित्सा गाइड फॉर जनरल मेडिसिन मेडिकल प्रैक्टिशनर। यह कैलाश बंजारा के द्वारा लिखा गया बुक है और सारा लेखक है जो इस बुक को लिखने में योगदान है उसका। चलिए देख लेते हैं, ये लेखक गण दिया गया है श्री कैलाश चंद्र बंजारा है, जो RNO है, जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसके बाद डॉक्टर प्रशांत महेश्वरी है, डॉक्टर दर्शन व्यास सिंगला है, डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव है, डॉक्टर सिमरन ओझाला है, LR बिश्नोई है, डॉक्टर कोमल दाधीच है और श्री मनीष सोनी है जो फार्मासिस्ट है। और स्पेशल थैंक्स दिया गया है श्री भरत यादव, एडवांस सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड सेक्रेटरी। इसका संदेश क्या है इस बुक का, यह किताब जनरल प्रैक्टिशनर के लिए अत्यंत लाभदायक है, जिसकी मदद से न केवल ज्ञान अर्जन करना वर्धन होता है, बल्कि दूर दराज गाँव में होने वाली दुर्घटना या बीमारी का प्राथमिक उपचार तुरंत मिलने से मरीजों को लाभ भी मिलता है। मेरा यह अनुमान ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस किताब में लिखी बारीकी से बारीकी जानकारी जन स्वास्थ्य के हित में लाभदायक है और भारत सरकार के स्वास्थ्य मिशन की मजबूत जड़ का काम करेगी। डॉक्टर प्रशांत महेश्वरी। उसके बाद देखेंगे संदेश दिया गया इस बुक में, देखिए क्या क्या दिया गया है। देखिए पाचन तंत्र के रोग, सारा रोग का नाम दिया गया है इसमें। देखिएगा आपको जूम करके आप देख लेते हैं, जैसे भूख न लगना ये दिया गया है, जी घबराना, उल्टी आना, सो नोजिया एंड वोमिटिंग बोलते हैं, जैसे कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, उसके बाद अतिसार मतलब डायरिया, उसके बाद हैजा दिया गया, बहुत सारा नाम दिया गया है। इस बुक का एक और खासियत है कि इस बुक में आपको आयुर्वेदिक दवा के बारे में भी बताया गया है। चलिए देखेंगे कैसा रहता है। देखते हैं इसका चैप्टर निकाल कर, पाचन तंत्र के रोग के ही चैप्टर सबसे पहला है एनोरेक्सिया, भूख न लगना आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें कॉज सबसे पहले देखिए दिया गया है, इसमें दिया गया है साइकोलॉजिकल कारण, जैसे टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, जो भूख नहीं लगता वो कैसे क्यों ऐसे होता है, इसके बारे में कॉज दिया गया है। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स दिया गया है, खाने की इच्छा समाप्त हो जाना। उसके बाद ट्रीटमेंट दिया गया है, जो टेबलेट सब का नाम दिया गया है इसमें, देखिएगा टेबलेट सब का नाम दिया गया है। उसके बाद सारा इसका इलाज के बारे में बारीकी से बताया गया, फिर नोजिया एंड वोमिटिंग का चैप्टर है, ये सारा बताया गया है। देखिए सब चैप्टर बाय चैप्टर एकदम बहुत बारीकी से समझाया गया है। प्रत्येक मतलब मेडिकल का जो स्टूडेंट है उसके पास ये बुक होना जरूरी है। जो गांव घर में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, प्राथमिक केंद्र चलाते हैं, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा बुक होने वाला है। देखिए हम किसी बुक का प्रचार नहीं करें, बहुत अच्छा बुक है इसलिए आपको बताए हैं। चलिए अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर परचेस कीजिए इस बुक को, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।